भगवती मानव कल्याण सेवा संगठन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने होमवार वाले आदेश को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा होम बार को अनुमति देने के आदेश को वापस लेने के लिए भगवती मानव कल्याण सेवा संगठन ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी मांग है कि यह जो शराब है बाजार में बिक रही है वो क्या महिलाओं पर कम अत्याचार था? जो अब आपने अपना यह होम बार वाला आदेश और देकर घर घर शराब बिकवाने के बारे में सोचना पड़ा। हमारा संगठन लगभग 12 साल से आगरा को नशा मुक्त कराने का कार्य कर रहा है और आप युवाओं को घर बैठे शराब मंगवाने की मंजूरी दे रहे हैं। इससे हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। आप अपने इस आदेश को प्रभावी रूप से वापस लें। यहाँ पर होमवार जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो होमवार डिलीवरी का प्रावधान किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं उसके विरोध में, और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से माननीय योगी जी को यह अवगत कराना चाहते हैं कि यह आपका निर्णय जो होमवार डिलीवरी का निर्णय लिया है आपने, यह गलत निर्णय है। इस निर्णय को आप वापस लें, नहीं तो हमारा विरोध रहेगा इस पार्टी के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। आज समाज में आप देख रहे हैं कि नशा जहर, आप इस जहर को 75% इस जहर के माध्यम से, इस नशे के कारण आज क्राइम, अपराध, बलात्कार जो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, ये अपराध होते हैं। इन अपराधों को मेन जड़ कहीं ना कहीं नशा है, कहीं ना कहीं नशा लिप्त रहता है। इस नशे को रोकने के लिए मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि अपने इस मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाया जाए। यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो मोदी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो बहुत ही गलत है, उसके विरोध में हम सब लोग खड़े हुए हैं, हमारा पूरा संगठन खड़ा हुआ है। आज से हम 20 सालों से इस नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। हम घर घर जाके माँ की जोत जलवा कर अपना संगठन के माध्यम से नशा मुक्त कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग इस संगठन के माध्यम से नशा मुक्त हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा उनसे यही निवेदन है, यदि वे देश का विकास चाहते हैं, यदि वे देश में कुछ चाहते हैं कि तरक्की हो या उन्नति हो, कहते हैं विकासशील देश होना चाहिए, विकासशील देश ऐसे होगा यदि वो हमारे युवा, जो हमारे आज के युवा पीढ़ी है, उनको नशा पिलाएंगे। नशा सबसे बड़ा नाश का कारण होता है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से कि अपना निर्णय वे वापस लें।